सेगांव में मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय निशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में 23 गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा मरीजों का इलाज किया गया। स्वास्थ्य मेले में अभी तक 1000 से ज्यादा मरीजों का पंजीयन हो चुका है। सांसद गजेंद्र पटेल और विधायक केदार सिंह डावर ने मेले में शिरकत करते हुए मेले में लगे विभिन्न बीमारियों का अवलोकन किया गया। मेले में मंच से सांसद श्री पटेल द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए मेले में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने की बात कहते हुए मेले को शाम तक जारी रखने के निर्देश दिए। वहीं विधायक डावर द्वारा मेले की प्रशंसा करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेबोरेटरी के लिए 4 लाख, रोड के लिए 2 लाख, मेटर्निटी रूम के लिए 2 लाख विधायक निधि से देने की घोषणा करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मेले की सफलता के लिए बधाई भी दी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। इस प्रकार की जांच करने वाले सभी व्यवस्थापक एक एनजीओ के भी आए हैं, वो भी हमारी एक बहन है। और इस पूरी भूमिका में अगर 800 लोगों का पंजीयन हुआ है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन बहनों की रही है, आशा कार्यकर्ताओं की। में 800 से अधिक मरीज पहुंचे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने लोगों का स्वास्थ्य की चिंता करी और पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया और उसी के तहत भगवानपुरा के सेगांव ब्लॉक का स्वास्थ्य मेला था, जिसमें हमारे पार्टी के यहाँ पर मंडल अध्यक्ष, हमारे मेरे सभी प्रतिनिधि, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण और 800 से अधिक इस प्रकार के जनता जिनको स्वास्थ्य के प्राथमिक परीक्षण कराना है, जो गंभीर बीमारी वाले हैं उनको भी बुलाया है। ऐसे तमाम प्रकार के लोग आज सम्मिलित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने स्वास्थ्य की चिंता करी है और 45 प्रकार की जांचें जो प्रारंभिक रूप से होगी, एक बार में सभी जांचें करने का भी ये शिविर और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस प्रकार के मशीनें लगाई भी गई है और ये रेगुलर चलने वाला अभियान है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की चिंता करने का अभियान सरकार कर रही है और जो सरकार इस प्रकार से लोगों की चिंता कर रही है, निश्चित तौर पर ये तारीफ़ काबिल है। को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे विधायक महोदय? स्वास्थ्य मेले को लेके जो है, मैं यही कहना चाहूँगा कि सुविधाएं ये एक समय नहीं होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाका का हर व्यक्ति अपनी जांचें कराने शहर में नहीं पहुँच पाता है। मजदूरी पेशा लोग हैं और आज सभी पूरा अस्पताल के हर विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। आयुष्मान कार्ड जैसी बातें हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास कई बार आते हैं कि भैया ये आयुष्मान कार्ड नहीं, इलाज में हमको तकलीफ है। सरकार की सुविधा है, उसका लाभ लेना चाहिए। सरकार चाहे जो हो, वो जनता की होती है और वो जनता के हित में उसको काम करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।